किसी की मदद करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अच्छे मन से भी हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोरोना काल में न जाने कितनी अनगिनत परेशानियां हम सभी ने झेली है, और ये कब तक चलेगा हमें किसी को इसका अंदाजा भी नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी है कि इस कोरोना काल में सबसे अधिक जो काम आए हैं वो हमारे अपनों ने ही हमारी मदद करी है। जब सब कुछ बंद था तो भी हमारे पड़ोसी दुकानदार, मेडिकल स्टोर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार थे। इस कोरोना काल में सोचिए उन डॉक्टर्स के बारे में जो दिन रात हम सबकी सेवा में लगे हैं। सोचिए उन पुलिस कर्मियों के बारे में जो हर दिन 15 से 18 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, और भी न जाने कितने ही लोग हैं जो हर समय हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी, मेडिकल स्टोर वाले हैं और किराने की दुकान वाले हैं जिनको आपके सहयोग की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी है कि लोकल फॉर वोकल को सही मायनों में हम इस्तेमाल करें और लोकल उत्पादों एवं व्यापारियों की मदद की जाए। सीधी बात करें तो आप जो भी सामान लें, जो भी मेडिसिन खरीदें, अपनी पड़ोस वाली दुकान या मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। आपका एक रुपया जो आप खर्च करेंगे वही रुपया उस दुकानदार को सुदृढ़ बनाएगा और साथ ही आपको भी। हमें ये बात का ध्यान बहुत रखना है कि कई डिजिटल कंपनियां जिनको हम इस त्यौहार के सीजन में काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, उनके बदले हम ये सारा खर्चा हमारे नज़दीकी दुकानदारों से करें। ये ध्यान रखिए, हम सबका ये छोटा सा कदम आपके मोहल्ले में रौनक ला सकता है, और अगर मोहल्ले में रौनक आएगी तो शहर और शहर से प्रदेश और हमारा देश होगा सुदृढ़। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए या नज़दीकी मेडिकल स्टोर से दवाई मंगाने के लिए हम आयु ऐप डाउनलोड करें और मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।